तो देखिए दोस्तों, मेरा मात्र 15 रुपये में जाँच प्रमाण पत्र अप्लाई हो चुका है। अब इसको मैं 20 दिन के अंदर कभी भी निकाल सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जाति प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल फोन से मात्र 15 रुपये में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ई डिस्ट्रिक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर चलना है। चलिए मैं चलता हूँ। यहाँ पर टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट, ये जो फर्स्ट वाला लिंक दिख रहा है edistrict.up.gov.in, इस पर क्लिक करें। मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें सिटीजन लॉगिन पे। यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी जो आपने आईडी बनाई थी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आईडी बनाना सिखाया है, उस वीडियो को जाके देख लें। पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर कैप्चा कोड भर देंगे। सबमिट पे क्लिक करें। देखिए अब हमारी आईडी फाइनली लॉगिन हो चुकी है। अब हमको बनाना है जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र। अगर आपको हिंदी में बनाना है तो हिंदी पे क्लिक करें, इंग्लिश में बनाना है तो अंग्रेजी वाले पे क्लिक करें। चलिए हमको हिंदी में बनाना है तो हिंदी वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो है प्रार्थी का नाम डालना है, तो चलिए मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में डालना है, मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे पिता पति संरक्षक जिसका नाम डालना हो उस पर क्लिक करके डाल दिया है। चलिए मैं इनके पति का नाम डालूँगा, तो पति पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इनके पति का नाम डाल देता हूँ। दोस्तों इसके पहले मैंने इनका आय प्रमाण पत्र अप्लाई किया था, तो इनकी सारी डिटेल सेव है, इसीलिए मुझे टाइप नहीं करना पड़ा था, अपने आप आ रही। इनकी माता का नाम डाल देता हूँ, मकान नंबर डाल देता हूँ, इनके गाँव का नाम डाल देता हूँ मोहल्ला पोस्ट में, क्योंकि गाँव में कोई मोहल्ला नहीं होता है। जनपद में पहले से 19 है, जिसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद तहसील सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ग्राम पे क्लिक करते हैं। चलिए मैं ग्राम इनका ढूंढ लेता हूँ जल्दी से, उसको डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अगर ये स्थायी पता सेम है तो इस पर क्लिक करें। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ, अपने आप भर जाएगा। यहाँ पर जाति चुन लेते हैं। यहाँ देखिए कई सारी जातियाँ, आधी पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त, तो ये पिछड़ी जाति की हैं, तो इन पर पिछड़ी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे उपजाति पे सिलेक्ट करते हैं, इनकी जो भी उपजाति है। देखिए उपजाति लिख के आधा काछी, कुर्मी, कलाल, कश्यप, ये जो भी हों उस पर क्लिक करें। और यहाँ पर एक ऑप्शन है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, तो इसको हाँ रहने दें। इसके बाद यह आधार संख्या, इसको डालना हो तो डाल दो, नहीं छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं। इसके बाद यहाँ संलग्न पे क्लिक करेंगे, तो हमको फ़ोटो, सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ से जाके कैंडिडेट की फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड हो गई। इसके बाद यहाँ फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको घोषणा पत्र डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। इसके बाद हमको अन्य पद आ जाना है। अन्य पद आने के बाद यहाँ पे हमको आधार कार्ड अपलोड करना है। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ आधार कार्ड। के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड तीनों अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हमको जाना है दर्ज करे पर, तो यहाँ पे हम दर्ज करे पे क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जाति प्रमाण पत्र पूरी तरह से भर चुका है। इसके बाद हमको सिर्फ पेमेंट काटना है इसका। चलिए इसका पेमेंट काट देते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करें, ये वाला जो सबमिट है इस पर आपको क्लिक करना है। ये प्रोसीड विद पेमेंट, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड, UPI जहाँ से चाहे कर सकते हैं। तो मुझे UPI से पेमेंट करना है, तो मैं UPI पे क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट पर क्लिक करें।
प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको अपनी UPI ID डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, मैं अपनी फ़ोनपे ID डाल देता हूँ। अब आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब आपके फ़ोनपे पे एक रिक्वेस्ट आ गई है, तो आप वहाँ पे जाके एक्सेप्ट करें और जो है अपना पासवर्ड डाल दें। तो देखिए हमारा पेमेंट जो है हो चुका है। अब ये जो ऑप्शन आ रहा है सुरक्षित करें, इस पर क्लिक करें। तो देखिए दोस्तों हमारा जो है जांच प्रमाण पत्र अप्लाई हो चुका है। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेवा शुल्क 15 रुपये। 15 रुपये में मैंने अपना जांच प्रमाण पत्र घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्लाई कर लिया है। यहाँ देखिए ये देखिए अब ये 20 दिन के अंदर आपको बन के आपके इसी पोर्टल पर मिल जाएगा। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आय जाति और निवास प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करके निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।